अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कहते हैं प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो और चाहे वो इंसान हो। देवी भागवत में वर्णन है, भगवान ने सबसे नीची जाति में जन्म लिया शूकर के रूप में। क्यों? क्योंकि इस धरती पर आने के बाद सबको प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। भगवान वहाँ है, लेकिन राम जी जब यहाँ आए तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला कि नहीं मिला? क्योंकि प्रारब्ध यहाँ सबके साथ जुड़ता है। तो आज भगवान के प्रथम पुत्र आए, लेकिन सम्रासुर नाम का दैत्य प्रदुम्न का हरण करके ले गया। क्योंकि सम्रासुर जानता था कृष्ण के प्रथम पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। तो सम्रासुर ने सोचा कि अपने काल को समाप्त कर दूं तो मेरी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। लेकिन महाराज, प्रारब्ध तो घूम फिर करके कहीं ना कहीं आ जाता है। प्रारब्ध समझते हैं क्या होता है? क्या प्रारब्ध मतलब? बैंक बैलेंस। क्या? बैंक बैलेंस। अच्छा, यहाँ बताओ, जितने लोग बैठे हो सबका बैंक बैलेंस है कि नहीं? चाहे भले ही अकाउंट में 10 रुपया हो, नहीं है? अरे आपके पास तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। देखो, आजकल स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनका भी अकाउंट होता है, भले उसमें 10 रुपया हो, है ना? बात सही है। तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, वही प्रारब्ध है। जो हम इस जन्म में पूंजी इकट्ठा करते हैं, वही तो अगले जन्म में आकर के भजा लेते हैं और आनंद से खर्च करते हैं। और जिसके पास कुछ होता नहीं है वो इस जन्म में बेचारा रोता है कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे बैंक बैलेंस इकट्ठा करो ना, जिसका बैंक बैलेंस जितना ज्यादा होगा उसका प्रारब्ध उतना अच्छा होगा। तो हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं इस समय, ये हम लोग बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा बताओ, कौन सा बैंक बैलेंस? व्हाइट मनी की ब्लैक मनी? व्हाइट मनी इकट्ठा करना है कि ब्लैक मनी? व्हाइट मनी। व्हाइट मनी कौन सी मनी? जो बैंक में पड़ी है, क्योंकि वो सरकार की नजरों में कि आपके पास इतना पैसा है। और जो घर में पड़ा है वो ब्लैक मनी। घर में चाहे जितना रख लो महाराज, किसी को नहीं पता। तो जो घर में रखा है वो ब्लैक मनी, और जो बैंक में है वो व्हाइट मनी। तो इसी तरह भगवान की भक्ति में भी दो मनी मिलती है, एक ब्लैक मनी और एक व्हाइट मनी। ब्लैक मनी कौन सी मनी है? बढ़िया बढ़िया यज्ञ किए और फल का जब नंबर आया तो स्वयं ले लिए, तो ये फल क्या हुआ? ब्लैक मनी। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी सत्कर्म करो तो अपने इष्ट को समर्पित कर दो। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, श्री गोविंद अर्पण मस्तु, श्री शिव अर्पण मस्तु, इस प्रकार अर्पित कर दोगे तो वो कौन सी मनी बन जाएगी? व्हाइट मनी। वो भगवान को पता है कि तुमने इतना धन इकट्ठा किया, पर जो ब्लैक मनी है उसे इंद्र चुरा करके ले जाता है। बस सही है कि नहीं है? अब एक दिन बैठे तो हमारे पिताजी कह रहे थे कि मैं तो बढ़िया ब्लैक मनी इकट्ठा करता हूँ, सबकी सेवा कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा भाव है इंद्र की तरह। तो हम लोग अपना व्हाइट मनी बनाए, ब्लैक मनी नहीं, नहीं इंद्र सब चुरा ले जाएगा। और जब हम लौट के आएंगे यहाँ तो कोई प्रारब्ध नहीं होगा, फिर शुरू से प्रारंभ करो। इसलिए इस मनी को इकट्ठा करके ले जाओ, कोई भी पूजा करो, भगवान को समर्पित कर दो, तो भगवान की डायरी में नोट हो जाएगा आज तुमने ये अच्छा कर्म किया। तो जब अगले जन्म में तुम्हारा जन्म होगा तो भगवान पूरा लेखा जोखा ब्रह्मा जी के हाथ में दे देंगे कि इसके पास पूर्व की मनी है, बैंक बैलेंस है, इसे कष्ट मत देना। तो यही होता है प्रारब्ध। लेकिन प्रारब्ध को कितना भी टालना चाहो वो घूम फिर करके आ ही जाता है।